बट उसके अलावा आपको लगेगा DFA का अप्रूवल जो यहाँ से फिलीपीन से मिलेगा। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फिलीपींस के मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों नहीं आपके लिए उसका भी एक फुल डिटेल वीडियो बना दूँ। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसको मिल सकता है? तो पहला चीज़ तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा एक बिजनेस पर्पज़ के लिए या फिर बिजनेसमैन को मिल सकता है। दूसरा, आप एज अ टूरिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत हार्ड है बट यस, आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए जा सकते हो। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं मैं उसके बारे में बता दूँ। तो रिक्वायरमेंट्स, पहला तो आपका बिजनेस वैलिड होना चाहिए इंडिया के अंदर। दूसरा, आपका जो भी बिजनेस है, अगर आप फिलीपींस में आ रहे हो और फिलीपींस में आपका बिजनेस है तो वो फिलीपींस में जो भी बिजनेस है वो वैलिड होना चाहिए। ये दोनों जो है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए है। इसके बाद हम लोग अभी बात करते हैं तीसरा, यानी कि टूरिस्ट पर्पस। तो टूरिस्ट पर्पस के लिए जो भी आपका मतलब एक मेन सीन है या फिर जिसको मैं एक तरीके से बोलूँ तो पर्पस, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको जो है वो फिलीपींस का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। अभी ये मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो फिलीपींस मल्टीपल एंट्री वीज़ा की वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की। उसके अलावा आप लोग 1 ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसका फीस कितना होता है उसके बारे में थोड़े टाइम बाद हम लोग बात करते हैं, बट 6 मंथ्स के लिए भी आप लोग जा सकते हो और 1 ईयर के लिए भी जा सकते हो। अब उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो, एंड वो क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट या नॉर्मल वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगेंगे ही, आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपका पासपोर्ट, आपका फ्लाइट टिकट, इसके अलावा आपका जो मेन पर्पस है, आपका जो कवरिंग लेटर है, आपका इनविटेशन लेटर अगर यहाँ से कोई कंपनी ने इनवाइट किया है तो वो सारी चीज़ तो लगेगी ही। बट उसके अलावा आपको लगेगा DFA का अप्रूवल जो यहाँ से फिलीपींस से मिलेगा। उसके अलावा दूसरा स्ट्रॉन्ग चीज़ जो लगेगा वो यहाँ का आपका पर्पस, जो भी पर्पस है वो DFA अप्रूवल। अगर आप यहाँ पे किसी के बिजनेस पर्पस से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिलीपींस में एक कंपनी है एंड आप उसके थ्रू बिजनेस के लिए आ रहे हो, तो वो कंपनी आपको DFA अप्रूवल दिलवा देंगी। अगर आपका कंपनी इंडिया में है और यहाँ के लिए आ रहे हो तो आपको जो है वो थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करके लेना पड़ेगा। उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे करना है। एंड टूरिस्ट वीज़ा के लिए डेफिनेटली आपको जो है यहाँ का जो भी आपका रिलेटिव होगा, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, मोस्टली अप्लाई नहीं कर सकते गर्लफ्रेंड के थ्रू, बट अगर आप लोग वाइफ के थ्रू जा रहे हो तो वाइफ के थ्रू आपको अपनी वाइफ को DFA में भेजना पड़ेगा, वो अप्रूवल ला के आपको दे देगी। सो आप लोग मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए जा सकते हो। जनरली फॉर टूरिस्ट पर्पस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और चांसेस ऑफ रिजेक्शन इज वेरी हाई फॉर ओनली टूरिस्ट पर्पस। बट अगर आप लोग बिजनेस के लिए जा रहे हो तो ईजिली अप्रूव हो जाता है, एंड अगर आप लोग कोई एजेंट के थ्रू भी करवाना चाहते हो तो आराम से करवा सकते हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका ये चीज़ हो जाएगा। कुछ और चीज़ इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको लगेगी, एंड उसमें से पहला है आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और दूसरा चीज़ आपको लगेगा वो है जो भी कंपनी अगर आपको इंडिया से भेज रही है उसका लेटर, कि आप किस पर्पस से जा रहे हो, कभी तक जाने वाले हो, आपका जो पर्पस वहाँ पे कितने दिन का और क्या चीज़ रहने वाला है, वो सारा चीज़ उस लेटर के अंदर मेंशन होगा। अब मल्टीपल एंट्री फिलीपींस वीज़ा की फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग 6 महीने के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपको पे करना पड़ेगा 6,320 रुपीज़। अगर आप लोग 1 ईयर के लिए जाने वाले हो तो 9,480 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका सिर्फ वीज़ा का कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो एजेंट आपको ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है, और अगर आप पर्सनली करने वाले हो तो पर्सनली आपको इतने में पड़ सकता है। अब मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए यही रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको आराम से मिल जाएगा। 6 महीने के लिए वैलिडिटी है वो ओके है, 1 ईयर वैलिडिटी वाला मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो फॉर इट, क्योंकि ऐसा बहुत कम चांसेस है कि 6 महीने में आप जो है वो ट्रैवल करोगे रिटर्न। बिजनेस पर्पज़ के लिए हो सकता है क्योंकि कंपनी के पास पैसा होता है, बट टूरिस्ट पर्पज़ के लिए 6 महीने वाला टेक्निकली वैलिड नहीं है। और आपके पास 6 महीने के अंदर मतलब रिच बंदा है तो ठीक है, अगर नॉर्मल बंदा है तो उसके पास उतना पैसा नहीं रहेगा। तो 6 महीने का भी अगर आप लोग जो है वो अप्लाई करोगे तो वो टेक्निकली वेस्ट, क्योंकि आप एक बार जाओगे फिलीपींस में एंटर करोगे, आप 30 दिन रह सकते हो, उसके बाद आप एग्जिट करोगे, मतलब जो आपका बाकी का टाइम होगा उसमें आपके पास अगर पैसे होगे तो आप ट्रैवल कर पाओगे, नहीं तो जो आपने पैसा दिया है वो टेक्निकली वेस्ट चला जाएगा। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट पर्पज़ जाने वाले हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो फॉर सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा।
अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सो गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।